हेलो दोस्तों, मैं कल्पना, आप सबका स्वागत है स्वाद घर का। मैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बनाएंगे रवे से बनने वाला एक टेस्टी नाश्ता जो एकदम हल्का और टेस्टी है। ये आसानी से तैयार हो जाएगा। इसमें हम कम तेल यूज करेंगे और साथ ही इसे हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें वेजिटेबल यूज करेंगे। आप इसे लंच बॉक्स या बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम एक कटोरी बारीक सूजी ऐड कर लेंगे, आधा कटोरी दही और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम एक कटोरी पानी ऐड कर लेते हैं और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम और आधा कटोरी पानी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढक के इसे हम 15 मिनट तक के रेस्ट करने देंगे। तब तक के हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का देने के लिए हमें जो वेजेस लगेंगे वो भी काट लेंगे हम, और साथ ही इसे हम तड़का दे देंगे। तड़का देने के लिए हम एक चम्मच तेल गरम कर लेते हैं, उसमें हम आधा चम्मच राई और आधा चम्मच उड़द की दाल डाल के अच्छे से इसे भून लेंगे। अब ये भूंज गया है, अब इसमें हम वेजेस ऐड कर लेते हैं। हमने एक प्याज बारीक काट लिया है, उसे ऐड कर लेंगे। आधा गाजर हमने बारीक काट लिया है, थोड़ी सी शिमला मिर्च को भी बारीक काट लिए हमने, कम से कम 2 चम्मच होंगी। 2-3 हरी मिर्ची काट ली है, साथ ही इसमें हम 2-3 कड़ी पत्ता काट के ऐड कर लेते हैं। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसे 1 मिनट तक के हम भूनने देते हैं। अभी इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, नमक डालने से ये पानी छोड़ देगा तो ये अच्छे से भून जाएगा नहीं। हमने इसे 1 मिनट तक के अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। हमने रवे के बैटर में भी नमक ऐड किया था, इसीलिए हम इसमें कम नमक ऐड करेंगे। अब इसे हम 1 मिनट तक के और भून लेते हैं, जिससे कि नमक डालने से पानी छूटेगा और थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। हमने 1 मिनट तक के और भूंज लिया है। अब हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, फिर इसे हम बैटर में ऐड कर लेंगे। हमारे बैटर को 15 मिनट हो गया है रेस्ट करते हुए। सूजी ने अच्छे तरीके से पानी को अब्सॉर्ब कर लिया है। अब इसमें हमने जो तड़का तैयार किया है उसे ऐड कर लेते हैं, और साथ ही इसमें हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए और रेस्ट करने देंगे, जिससे कि हमारे जो अप्पे बनेंगे वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट तैयार होंगे। हमने बैटर को 15 मिनट तक के अच्छे से रेस्ट करा लिया है। अब हम अप्पे बना लेते हैं। अप्पे बनाने के लिए हम अप्पे के सांचे को गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम तेल ऐड कर लेते हैं और ब्रश से अच्छी तरीके से चारों तरफ लगा लेते हैं। अब हम गोल चम्मच से बैटर को इसमें डाल लेते हैं। इस तरीके से हम सारे खाचों में बैटर को डाल लेंगे। हमने सारे खाचों में बैटर को अच्छे से डाल लिया है। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के हम 1 मिनट तक के इसे नीचे से भूनने देते हैं। हमने 1 मिनट तक के इसे नीचे से भूनने दिया है। अब इसे हम पलटी कर लेते हैं। हम इसे एक बार में ही नीचे से अच्छे से लाल करके नहीं भूनेंगे, इसे हम पलटते हुए अच्छी तरीके से चारों तरफ से लाल करके भूनेंगे। इसके लिए हमने 1 मिनट में ही इसे पलटा लिया है। अब इसे हम दूसरी तरफ से भी हल्का सा लाल होने तक के भून लेते हैं। इसमें हम ब्रश से अच्छे से तेल थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। और इसे हम ढककर 1 मिनट तक के और भून लेते हैं। फिर से हम इसे पलटी कर लेंगे और 1 मिनट तक के और अच्छे से भून लेंगे। इस तरीके से हम उल्टी पलटी करते हुए इसे लाल होने तक के दोनों तरफ से भून लेते हैं।
इसे हमने अल्टी पल्टी करते हुए अच्छे से भून लिया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसमें। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम चने दाल की चटनी या किसी भी चटनी के साथ में सर्व करेंगे। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिए और शेयर करिए।